एक बड़ी रैली गुड़गावा महाराणा प्रताप समिति वाटिका लेजर रैली में महात्मा गांधी जी को चित्र बना चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करके हम उनके दिखाए रास्ते पर चलेंगे और गुड़गावा को जैसे भगवान परशुराम जी ने सत्य और धर्म के लिए लड़ाई लड़ी थी, महाराजा अग्रसेन जी ने समाजवाद का उदाहरण दिया था, सभी धर्मों को साथ में उचित नहीं था। इस पवित्र पावन मंच पर जो जो बोल रहा हूँ वो पूरा करके दिखाऊंगा। 90% काम जितने भी बोलूंगा अगर उसमें पूरे नहीं हुए और उससे एक्स्ट्रा कितने करने हैं परमात्मा ताकत देगा, गुड़गावा की देवतुल्य जनता ताकत देगी। अगर 5 साल में उतने काम नहीं किए तो अगली बार आपके बीच में वेट मांगने भी नहीं आऊंगा। आपको बताना चाहता हूँ, पिछले 5 दिन की मेहनत में रात को 3-4 बजे तक बैठकर एक मॉडल लॉन्च करने आए आपके बीच में और उस मॉडल का नाम है गुड़गावा विकास ट्रस्ट बोर्ड। ईमानदार लोग होंगे, दूसरा काम करेंगे जी अफोर्डेबल एजुकेशन। कौन सा हर आदमी पैसे वाला नहीं है, सरकारी स्कूल अच्छे नहीं है, पहले सरकारी स्कूलों को बंटी भाई उस पैसे से अच्छा करेंगे, उस पैसे से सरकारी स्कूल अच्छा करके 300 रुपए महीना में बच्चे पढ़ाएंगे, 1000 बच्चे इकट्ठे किए। ये सुरेंद्र जी अच्छी सी कलम से लिख देना आर्टिकल, हरीश जी आप चेक कर लेना, उस 300 रुपए महीना 1000 बच्चे 3 लाख रुपए आ गए, 25,000 रुपए तनख्वाह के 20 मास्टर रखे, कोई नहीं सभा कामयाब होली, जब लेट हो रहे घर जाकर रोटी भी खाने। जयकारा होलिया, 20,000 लोग रोड पर उतर रहे, क्या चाहिए। अनुराधा जी गलत तो नहीं कह रहा, दोस्तों सुनो जी सुनो दो बात हो, परमपिता परमात्मा को साक्षी मान के भगवान इसमें ताकत दे, आसान काम नहीं है, करके दिखाएंगे। आपको बताना चाहता हूँ एजुकेशन पर काम पहले मेडिकल पे किया कि नहीं किया, अब एजुकेशन पे भी करेंगे। और मेरे में तो इतनी मैं तो इतने पंगे ज्यादा लेता भी नहीं, एक बार डीपी भाई के लिए ताले बजाओ उसकी इच्छा शक्ति। किसी महिला को सिलाई खिलाड़ी का कोर्स कराने में अरबल अस्पताल वाला तो भगवान ने ऐसा काम किया कि 100 रुपए में हर आदमी को कैसे उपचार मिले, ये भगवान मालिक अपने आप ही चल रहा है भाई। अब अगला लक्ष्य क्या है हमारे, इनके ऊपर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है कि आप लोगों ने बनाया तो हमारी प्राथमिकताएं क्या होंगी। सबसे पहले प्राथमिकताएं तो आप सबको पता है कि हमारा गुरुग्राम कैसे गुड़गावा से गुरुग्राम बना, और पिछले 2-2.5 सालों में ये गुरुग्राम कूड़ा ग्राम बन गया। तीन दिवाली हो गई, दिवाली हमारी कूड़े में मनी है, तो बड़े दुख की बात है। सबसे पहले 100 दिनों के अंदर अंदर पूरे गुड़गावा को चकाचक करने का काम आपका भाई नवीन गोयल करेगा, हर इलाके से। 8 साल से अपना घर बार छोड़कर, अपना सब कुछ कारोबार छोड़कर वो आपकी सेवा में लगे हुए हैं, और मैं समझता हूँ मैंने अपनी 75 साल की आयु में ऐसा नेता जन नेता नहीं कोई देखा। हमें शिकायत है कि हमारे गुड़गांव में सफाई नहीं है, हमें शिकायत है कि हमारे गुड़गांव में 2014 के बाद 1 इंच भी मेट्रो आगे नहीं बढ़ी, हमें शिकायत है कि हमारा हॉस्पिटल तोड़ के घेर दिया, वहाँ हॉस्पिटल की जगह हमारे वहाँ पे पार्किंग बना दी, हमें शिकायत है कि हमारा बस स्टैंड तोड़ दिया वो भी नहीं बना पा रहे, हमें शिकायत है कि हमें प्रॉपर्टी आईडी में उलझा के रख दिया, हमें शिकायत है कि हमारे गुड़गांव में कितना जाम लगता है, हमारे को जहाँ 10 मिनट का भी रास्ता हो वहाँ आधा घंटा 1-1 घंटा लग जाता है। रोड और रेलवे रोड पर अब एलिवेटेड रोड चाहता है। अब गुड़गावा आपको बताना चाहता हूँ ऑटो चालकों के लिए भी स्टैंड चाहता है। अब गुड़गावा MCG की अपनी खुद की बिल्डिंग भी चाहता है। अब गुड़गावा GMDA की खुद की बिल्डिंग भी चाहता है। धर्मेंद्र जी
अब गुड़गावा हैरानी की बात, हुड्डा ऑफिस में लिफ्ट नहीं है, डीसी ऑफिस में लिफ्ट चलती नहीं है, कोई भी अफसर फोन नहीं उठाता, उठाता है तो औपचारिकता के लिए एक सीवर का टैंकर एक भेजता है, फोटो चार खिंचवाता है, बिल पांच के ले जाते हैं। मैंने वो दर्द देखा कि अब बहनों के सपने टूटने नहीं देंगे, अब युवाओं का रोजगार का सपना मरने नहीं देंगे, अब व्यापारियों की चेहरे की ललक कम नहीं होने देंगे, अब दलित समाज मेरा सीबीसी माइनॉरिटी समाज उसके घर की खुशियां कम नहीं होने देंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।